हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो जैसे कि हमने अपने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें अभी तक हमने जो है हिस्ट्री के भी दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपका ज्योग्राफी का, आपका भूगोल का जो चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम देखने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हम ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है, और कुछ चीज़ें और बताई हुई हैं इसके बारे में। अक्षांश और देशांतर को लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। छोटी से छोटी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो SST वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपको NCERT की हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है और तभी आपकी हर चीज़ जो है अच्छे से हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ये ग्लोब है और इसमें हमें यहाँ पर अक्षांश लिखा हुआ दिखाया गया है, अक्ष लिखा हुआ दिखाया गया। अब ये अक्ष क्या होता है, आप देखिए हमारी जो पृथ्वी है, जैसे कि हमने अपने पहले अध्याय में देखा था, फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ है ना तो वो गोल है पूरी तरीके से, तो यानी कि हमारी जो पृथ्वी वो किस तरीके की है, हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार तो बिल्कुल भी नहीं है और वो किस तरीके की है, जो उसका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव यानी कि ये जो नॉर्थ पोल है हमारा पृथ्वी का और ये जो साउथ पोल है ये उत्तरी होता है और ये दक्षिणी होता है। यहाँ से दोनों तरफ से जो पृथ्वी हमारी थोड़ी सी चपटी हुई है और मध्यम में क्या है, थोड़ी सी क्या है, फैली हुई है, उभरी हुई है, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। और उसमें हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री जो है उससे 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और जो ग्लोब होता है उस ग्लोब में हम क्या करते हैं, इस अक्ष को क्या है हम बनाते हैं, यानी कि एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं, यानी कि इमेजिनरी जो लाइन है वो ड्रॉ करते हैं ग्लोब में। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक छोटा सा प्रारूप होता है, जिस तरीके की हमारी पृथ्वी है उसी तरीके का ग्लोब बनाया जाता है पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए, हमें स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये अक्ष है ये पृथ्वी पर क्या है, एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है ग्लोब पर हमारे द्वारा। पृथ्वी जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, उस पर ऐसा किसी प्रकार की कोई भी लाइन नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर हम आगे देखेंगे ग्लोब के बारे में, यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि ग्लोब क्या होता है। ये जो ग्लोब होता है वो अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाए जा सकते हैं, और कुछ पॉकेट ग्लोब भी होते हैं। पॉकेट ग्लोब का मतलब है छोटे ग्लोब होते हैं, गुब्बारे जैसे होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, और गुब्बारे जैसे जो ग्लोब होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हवा भरी जा सकती है और आसानी से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है। ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्लोब होता है हम उसे घुमा सकते हैं, यानी कि आपने देखा होगा हम इस तरीके से उसे घुमा सकते हैं जिस तरीके से हमारी पृथ्वी घूमती है, गोल गोल घुमा सकते हैं हम उसे, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जिस प्रकार से कुम्हार क्या करते हैं अपने पहिए या फिर लट्टू को हम घुमाते हैं, उसी प्रकार से हम क्या ग्लोब को घुमा भी सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप, महासागर को उसी आकार में दिखाया गया है जिस आकार में पृथ्वी पर वो मौजूद है, यानी कि पृथ्वी पर इतने बड़े लेवल पर मौजूद है, इतने बड़े एरिया में है, जैसे महासागर की बात करें तो बहुत बड़े एरिया में, पर उसका जो छोटा सा एरिया है वो यहाँ पर ग्लोब में दिखाया जाता है। पर जैसे प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है हमारा, तो ग्लोब में जो प्रशांत महासागर है सभी महासागरों में सबसे बड़ा दिखाया जाएगा उसका एरिया। तो ये चीज़ जो यहाँ पर बताई गई, जिस तरीके का जो हमारी पृथ्वी है उस पर देश हैं, जिस यानी कि जितने एरिए में है, जहाँ जहाँ पर जो जो हमारे देश स्थित हैं, वो सारी एज इट इज़ चीज़ें जो होती है ग्लोब में दिखाई जाती है, सही आकार दिखाया जाता है उनका। अब देखेंगे हम, जो पृथ्वी के समान किसी भी गोले पर किसी भी बिंदु की स्थिति का वर्णन जो है कठिन करना होता है, यानी कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है कहाँ पर कौन सा देश है और कहाँ पर क्या चीज़ है, तो ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बट अगर हम पृथ्वी पर क्या कर दें, अगर हम पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी जो लाइन होती है वो ड्रॉ कर दें और उन बिंदुओं की सहायता से हम बता सकते हैं कि ये देश कहाँ पर है एग्जैक्ट, यानी कि ये कहना यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी जो है उसे हम थोड़ा खोल दें और उसे इस तरीके से जो लाइनें हैं वो ड्रॉ कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि इस वाली बिंदु पर कौन सा देश है, हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ से इस तरीके से जाओ और ये जो बिंदु है यहाँ पर क्या है, ये वाला देश है, और यही डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर में।
अब आप देखेंगे कि एक जो सुई है ग्लोब में झुकी हुई है, जिसे हम अक्ष कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि जो ग्लोब होता है उसमें जो सुई है वो झुकी हुई है और उसको अक्ष कहा जाता है, और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ग्लोब पे जो दो बिंदु हमें जो है जिनसे होकर गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव जो है वो होता है, यानी कि जो अक्ष जो होता है जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा दिशाएं किस तरीके से हैं, यहाँ पर हमारी नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर होता है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा दक्षिण यानी कि साउथ होता है, यहाँ पर हमारा जो है वेस्ट होता है, और यहाँ पर हमारा जो है ईस्ट होता है यानी कि पूर्व दिशा इस साइड होती है। तो हमारी जो ये ग्लोब है, ग्लोब पे जो सुई हमने जो ड्रॉ की गई है, मान लीजिए ग्लोब है और इस पे जो ये हमने जो ये सुई जो बनाई है यानी कि अक्ष जो बनाया है वो इस यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है, इन दो बिंदुओं पर लगा हुआ है, इसको हम जो है नॉर्थ जो पोल है वो कहेंगे और इसको हम साउथ पोल कहेंगे, यानी कि इसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे और इसको हम जो है दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, यही बात यहाँ पर बताई गई है। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी की भांति जो ये है ग्लोब है उसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अब देखिए यहाँ पर फिर हमें डिस्कस किया गया कि पृथ्वी पर विस्तार में ऐसी कोई भी सुई नहीं होती और ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम ड्रॉ करते हैं अपने ग्लोब पर। एक अन्य और काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस प्रकार से है और एक काल्पनिक रेखा ऐसी बनाई गई है कि वो क्या करती है इसे दो बराबर भागों में बांटती है और इसको इक्वेटर कहा जाता है यानी कि विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये क्या करती है, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, और ये क्या है यानी कि दो बराबर भागों में इसने बांट दिया। तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसने इस तरीके से दो बराबर भागों में बांटा। हमने कहा था कि ये ऊपर का जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है हमारा नॉर्थ पोल, यानी कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये उत्तर का है, और ये पूरा का पूरा जो नीचे का हिस्सा है ये क्या दक्षिण का है। तो यानी कि ये दो बराबर भागों में बांट रही है पृथ्वी को, एक तो उत्तरी जो हमारा उत्तर की तरफ है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कह देंगे, और नीचे की तरफ जो है उसे हम क्या है दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे, यही यहाँ पर बताया गया है। ये दोनों जो हिस्से होते हैं वो आधे आधे बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त क्या करती है, पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त जो है वो बना देती है। काल्पनिक वृत्त बनाने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक यहाँ पर जो है हमें सर्कल दिखाया गया है, और ये जो रेखा है ये विषुवत वृत्त यहाँ पर दिखाई गई है। अब ये रेखा केवल इतनी नहीं है, ये रेखा पीछे से ऐसे भी आई हुई है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, एक बॉल ले सकते हैं, उस बॉल पर आप क्या कर सकते हैं, एक पूरी बॉल को आप क्या कर सकते हैं, उस पर हम एक सर्कल बना सकते हैं उस बॉल पर, और उसे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसका पिछला हिस्सा जो है हम अपने इस पेज पर तो नहीं दिखा सकते, पर आप उस बॉल पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से है। अब देखिए इसमें बताया गया कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति जो होती है सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी कि विषुवत वृत्त जो है हमारा जो ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर जितनी भी ये आप लाइनें देख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है समांतर रेखा या फिर अक्षांश। और यहाँ पर जो है ये समांतर रेखाएं जो है जिस तरीके से यहाँ पर 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर आपको दिखाया गया, इसी तरीके से क्या है 20 डिग्री दक्षिण, फिर हमारा 40 डिग्री जो होगा वो दक्षिण आएगा, फिर 60 डिग्री दक्षिण आएगा, इसी तरीके से होगा। अब देखिए आई होप आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि जो हमारा इक्वेटर होता है वो क्या करता है शून्य जो अक्षांश होता है हमारा उसको दर्शाती है, यानी कि ये जो इक्वेटर है इसे हम क्या शून्य अक्षांश मानते हैं, इसको भी हम एक अक्षांश रेखा मानते हैं, समांतर रेखा मानते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर वाली जो रेखाएँ होती हैं फिर उसे हम काउंट करते हैं, इसको हम जीरो मानते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर बताया गया है हमें कि चूँकि जो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की जो बीच की दूरी होती है वो चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, यानी कि अगर हम कहें कि ये जो वृत्त होता है हमारा यानी कि जो पृथ्वी है हमारी वो 360 अंश की है, तो इसका मतलब उसका एक चौथाई कितना होगा 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश होगा उत्तर ध्रुव का एरिया, और 90 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश होगा। इसे हम बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। अभी देखिए ये हमारी पृथ्वी का यहाँ पर बताया गया और ये विषुवत वृत्त है। अब जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री अंश पे है, यानी कि 360 डिग्री है। मैंने आपको कहा कि लाइन हमें केवल ऐसे दिखाई गई है, पर इसके पीछे भी तो ये लाइन है, और ये पूरा का पूरा मिलाकर क्या है ये 360 डिग्री बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमें बताया गया कि अगर इसका एक चौथाई कहा जाए, यानी कि इस तरीके से इसे बांट दिया जाए, तो ये जो हिस्सा है हमारा एक चौथाई होगा। और ये एक चौथाई जो हिस्सा है, क्योंकि हमारी जो लाइन है हम केवल इतनी ही देख पा रहे हैं, पृथ्वी की जब हम अक्षांश को देखते हैं तो केवल इस तरीके से ही देख पाते हैं, तो इसके पीछे का हिस्सा नहीं देख पाते। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेखा है इसको हम पूरा का पूरा देखेंगे तो भी ये एक ही रेखा होगी, एक ही लाइन होगी। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये विश्ववृत्त जो है अगर पीछे से जाकर ऐसे आ रहा है तो ये एक ही तो रेखा है, और टोटल रेखाएं उत्तर में कितनी होती हैं हमारी, 90 होती हैं, और इस तरीके से विश्ववृत्त से नीचे जो टोटल रेखाएं हैं वो कितनी है, 90। और खुद जो है विश्ववृत्त भी एक अक्षांश रेखा है, तो यानी कि इसको भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी निकल के आती है, 181 निकल कर आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इस प्रकार विश्ववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, यानी कि विश्ववृत्त इक्वेटर के पास के जितने भी उत्तर की ओर जो जितनी भी समांतर रेखाएं यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं, इसे हम जो है लैटिट्यूड भी कहते हैं, यानी कि लेटी हुई रेखाएं, ठीक है, इसलिए लैटिट्यूड बोला जाता है। इसे हिंदी में अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड कहा जाता है। तो जितने भी उत्तर की तरफ में जितने भी समांतर रेखाएं होती है उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है, और इसके ऊपर जितनी भी ये उत्तर की तरफ जितनी भी ये हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें हम उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, और नीचे की तरफ जितनी दक्षिण के साइड होंगी वो सारी की सारी दक्षिण एरिया में जितनी होंगी वो सारी की सारी हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएँ कहलाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए अगर हम देखें इस तरीके से, जैसे दक्षिण की बात की तो मैंने वही चीज़ें हमें बताई गई है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या फिर दक्षिण को भी लिखा जाता है। यानी कि अगर कहा जाए कैसे पहचान में आएगा कि उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है या फिर दक्षिणी अक्षांश की बात की जा रही है, इसलिए उसके साथ हम क्या करते हैं, उत्तर डॉट लगा देते हैं या फिर दक्षिण डॉट लगा देते हैं कि ये उत्तरी अक्षांश की रेखा की बात हो रही है और दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात हो रही है। अब इन्होंने यहाँ पर यही चीज़ बताई है, हमें देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर ये एग्जांपल देकर हमें समझा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है चंद्रपुर और ब्राज़ील जो है वो दो ऐसे यहाँ पर स्थान दिखाए गए हैं जिसमें बेलो होरिजेंटो जो है दोनों में एक ही अक्षांश यानी कि 20 जो अक्षांश है अक्षांश का उस पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है वो विश्ववृत्त के ऊपर की साइड है यानी कि उत्तर दिशा में है, और बेलो जो है वो ओरिजेंटो जो है विश्ववृत्त के यानी कि इक्वेटर के 20 अंश दक्षिण में नीचे की साइड है ये। तो हम कैसे इस पहचान में आएगा कि 20 अंश जो अक्षांश है वो जो है वो चंद्रपुर की ऊपर की बात हो रही है या नीचे की बात हो रही है, उसी चीज़ को दिखाने के लिए कि चंद्रपुर कहाँ पर है उसके लिए हम उत्तर या दक्षिण लगाते हैं। उत्तर लगाया तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उत्तरी जो अक्षांश है उसमें जो है हमारा 20 वाली, ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया ये जो हमारी रेखा है 20 वाली अक्षांश रेखा, इस पर कहीं ना कहीं चंद्रपुर है और ये उत्तर में है। और इसी तरीके से यहाँ पर बेलों के बारे में बात की गई है तो ये नीचे की साइड दक्षिण की बात हो रही है बेलों की। तो ये चीज़ हमें इसी तरीके से पता चलती है जब हम यहाँ पर इन्हें साइन लगाकर हम बताते हैं कि उत्तरी दक्षांश की बात हो रही है फिर हमारी जो दक्षिणी दक्षांश की बात हो रही है। यही चीज़ यहाँ पर पूरे इस पैराग्राफ में यहाँ पर डिस्कस की गई है। आप थोड़ा सा इसे देख लेते हैं और आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब जैसे कि हमने कुछ बातें की हैं कि इक्वेटर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा से एक बार देख लेते हैं तो देखिए ये हमारा विश्ववृत्त होता है, इसके ऊपर जो है ये हमारा जितना भी एरिया है ये इसमें जितनी भी रेखाएं आती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी उत्तर की तरफ की, ठीक है, और जितनी भी नीचे की तरफ की हैं हमारी ये क्या होती है हमारी दक्षिण जो होती है दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं वो कहलाती हैं और ये दक्षिण का एरिया होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी सिंपल सी बात। अब कुछ और महत्वपूर्ण रेखाएँ भी होती हैं, जैसे कि विश्ववृत्त जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो इसके ऊपर की जो ये आप ये रेखा देख रहे हैं ये कर्क रेखा होती है, और उसके नीचे की जो ये रेखा देख रहे हैं आप 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये आपकी मकर रेखा होती है। तो कर्क रेखा क्या है 23.5 डिग्री उत्तर में है, और मकर रेखा क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और इसी से हमें पता चलता है कि ये जो मकर रेखा है वो दक्षिण में है, अगर हम दक्षिण नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, यही बात यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बताया गया है कि जैसे कि जो विश्ववृत्त है वो 0 डिग्री अक्षांश है, उत्तर ध्रुव जो है वो 90 डिग्री उत्तर में है, दक्षिण ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त भी क्या होते हैं, कुछ और भी अक्षांश रेखाएं जो होती है महत्वपूर्ण होती है, जैसे मैंने आपको बताया कर्क रेखा महत्वपूर्ण है, मकर रेखा महत्वपूर्ण है, और वो कहाँ कहाँ पर आपको पता होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध में है हमारी कर्क रेखा,
और ये क्या 23.5 डिग्री जो है उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में है हमारी मकर रेखा और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में, जैसे अभी हमने देखा। विषुववृत्त के 66 डिग्री पे हमारा जो उत्तर में जो उत्तरी ध्रुव व्रत होता है, और विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, दक्षिण व्रत होता है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यह हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पर उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी ये क्या होगी, कर्क रेखा होगी, और यहाँ पर बात की जाए तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मकर रेखा है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या होगा, दक्षिण की साइड, क्योंकि ये दक्षिण में है तो दक्षिणी जो ध्रुव व्रत है वो ये कहलाएगा। ध्रुव व्रत क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पूरा सर्कल है इस तरीके से, पीछे की साइड हमें नहीं दिखाई दे रही है, व्रत का मतलब सर्कल होता है, तो दक्षिणी ध्रुव व्रत ये है हमारा, और ये उत्तरी ध्रुव व्रत है, ठीक है। ये हिस्सा क्या है, ये रेखा जो है वो क्या कहलाती है, हमारी उत्तरी ध्रुव व्रत कहलाती है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि ये विषुववृत्त रेखा है हमारी, ये मकर रेखा है, ये हमारे 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और कर्क रेखा हमारे 23.5 डिग्री उत्तर में है, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है, और ये क्या है, हमारी जो विषुववृत्त है उससे क्या है, 66.5 डिग्री जो है दक्षिण में होता है, और इस तरीके से एक क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत है। देखो ये ध्रुव व्रत होता है उत्तर की दिशा में, तो इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव व्रत कह देते हैं, और ये दक्षिण की दिशा में है इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव व्रत कह देते हैं। आपको ध्यान रखना है कितने डिग्री पे है और कहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव व्रत। आप देखिए, और आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, उनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है उनके बारे में हमें देखना है, ट्रॉपिक लेवल जो इसका रहता है उसे हमें देखना है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो सूर्य की रेखा, जैसे कि आपको पता होगा ये सूरज है और ये पृथ्वी पर क्या ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो कुछ तो डायरेक्ट किरणें पड़ती होंगी सूरज की किसी किसी क्षेत्र पर पृथ्वी के, और किसी क्षेत्र पर तिरछी पड़ रही होंगी। तो जहाँ पर जो है सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती है वहाँ पर क्या रहेगा, मतलब कि अगर आप खुद भी देखिए, आपने आग जला रखी है और आप उसके सामने बैठे हैं बिल्कुल, तो वो आग जो होगी उसका जो ताप होगा, टेम्परेचर जो होगा आपका हाई रहेगा उस टाइम पर, ठीक है। पर अगर कोई थोड़ा सा दूर खड़ा है कोई, तो उसके पास जो है किरणें, आग की किरणें थोड़ी देर में जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होगी उस इंसान के पास में। इसी तरीके से सूर्य, सूर्य की किरणें जहाँ पर डायरेक्ट पड़ेंगी उस क्षेत्र पर क्या होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ पर क्या है तिरछी पड़ रही है वहाँ पर क्या है गर्मी कम होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, सभी जो अक्षांश आते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी कि ये हमने देखा था विषुववृत्त है, ये हमारा जो है, देखिए दोबारा से बना लेते हैं अच्छे से सर्कल, देखिए ये हमारा जो है विषुववृत्त है, और यहाँ पर हमारी जो है ये हमारी आ जाती है कर्क रेखा, और ये आ जाती है मकर रेखा। तो अब देखिए इसके बीच का जो ये क्षेत्र, यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाया गया है, मैंने यहाँ पर कलर कर दिया है, ये आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट जो है सूरज की किरणें जाती है, दोपहर में एक बार पहुँचती है, वर्ष में अगर देखें तो एक बार दोपहर में जो है सूरज सिर पर होता है, और यहाँ पर क्या है उष्मा यानी कि गर्मी जो है बहुत तेज होती है, इसी वजह से इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र को क्या है उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो यही चीज़ बताई गई है। अब देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो है कोई भी ऐसी अक्षांश नहीं है जिस पर सूर्य डायरेक्ट पड़ता हो, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे, यानी कि जो भी अक्षांश होते हैं, आपको ध्यान रखना है, एक और यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँगी, जो भी हमारे ये हमारे इक्वेटर और ये अक्षांश होते हैं हमारे, आपको पता होगा, तो जितने अक्षांश ध्रुवों के पास जाएंगे, ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा ध्रुव होता है, तो जितने भी ये पोल के पास जाएंगे, ये जो लैटिट्यूड होती है, ये अक्षांश रेखाएं जो होती है ध्रुवों के पास जाएंगी उतनी छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्रुवों की तरफ जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमेशा तिरछी जाती हैं, यानी कि डायरेक्ट नहीं जाती है सूर्य यहाँ पर, तो तिरछी तो जाएंगी इस तरीके से किरणें, ध्रुव के पास जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी जाती है। और इसी प्रकार से जो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत है, हमने उत्तरी ध्रुव व्रत के बारे में भी देखा था, और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा और उसके बाद जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है उसके बीच का जो इलाका है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान क्या है मीडियम रहता है इसी वजह से, और इस वजह से इसे जो है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, देखिए अच्छे से, ये हमारा ये कर्क रेखा है,
और ये उत्तरी ध्रुव व्रत है। यहाँ का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो टेम्परेचर क्या रहता है, मीडियम रहता है, और इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। वैसे तो शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, पर ये उत्तर दिशा में है, उसकी पहचान के लिए हम इसे उत्तर जो है शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। अब देखिए मकर रेखा एज इट इज़ नीचे होता है जैसा हमारा ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि दो बराबर भागों में इसने बांटा है। ये मकर रेखा है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होगा वो भी मीडियम रहेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे हमारा उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तर ध्रुव व्रत है, और जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिण ध्रुव व्रत है और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वो ठंडा रहता है हमेशा। क्योंकि देखिए हमने देखा कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसका इक्वेटर है, इसके यहाँ पर जो हमने अभी देखा था यहाँ पर जो है तिरछी जा रही थी, तभी भी जो है जो मीडियम टेम्परेचर था। पर अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ये जो दक्षिणी उत्तर ध्रुव व्रत है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत है, ये वाला जो हमने ये कलर किया है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारा ठंडा रहता है। जैसे कि आपको पता होगा जो अंटार्कटिका है वो कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव व्रत में, और वहाँ पर के अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी हुई है। तो इसी चीज़ से आप याद कर सकते हो इसे। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है, ये वाला ये होता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध इसी वजह से नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर क्या है, ठंड रहती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो जाएगा क्योंकि दक्षिण दिशा में है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ये वाला जो ये क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव व्रत, और ये उत्तरी ध्रुव व्रत जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र आपको दिखाया गया है, ये वाला जो ग्रे में दिखाया गया जो क्षेत्र है, ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। तो ये इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है, बड़ी आसान है। और अब जो होंगे इसका पार्ट टू जो होगा उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से जो होगा इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आपने अभी नहीं अच्छे से समझा, और बच्चों को समझने में दिक्कत भी होती है अगर अच्छे से नहीं समझा अभी, तो आपको बाद में जाकर दिक्कत होगी। आगे चैप्टर्स में यही बात की जाएंगी अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं के बारे में। तो इसलिए हम जो हैं थोड़ा सा आराम से सीखेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर जो पार्ट आएगा उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और एक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।